खास करके मैं ऐसे जगह पे ही लेके जाता हूँ अपने आप को टेस्ट करने के लिए, जहाँ हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ का 3 बज रहा है और आज मैं चलने वाला हूँ खाद पैरने के लिए। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे खाद कैसे पैरता हूँ और कितना खेत में कितना सारा खाद पैरता हूँ। और यहाँ पे मिस्त्री था फ्रेंड्स, तो अपने हिसाब से खाद पैरता था, लेकिन जब से मैं आ गया हूँ थोड़ा तरीका चेंज कर दिया हूँ। तो एक दो बार खाद पैर चुका हूँ, पर आज पहली बार आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अभी भी फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो कि हमारी वीडियो भी देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहले गाड़ी का चाबी ले लूँ, और गाड़ी का चाबी देखिए कहाँ पर रखा हूँ। यहाँ ये है हमारा रूम और यहीं पर हमेशा रहता है। एक दो बार मैं और भी वीडियो में दिखाया हूँ, और जब भी मुझे कहीं जाना होता है काम से, मतलब बिना मतलब के घूमने के लिए, तो टाइम भी नहीं है फ्रेंड्स। तो चाबी लेता हूँ, चला जाता हूँ, पेट्रोल ख़त्म हुआ तो पेट्रोल भी डला लेता हूँ, पैसा नहीं लगता है। अपने कपिल का नाम बता देता हूँ। तो चलिए चलते हैं, इसको पहले बंद कर दूँ, नहीं तो इसमें कोई भी चीज़ अगर घुस गया, बकरी भेड़ या कोई भी चीज़, तो फ्रेंड्स सारा जाके मजरा वजरा खा लेगा, ख़राब कर देगा। तो अभी आइए दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ है गाड़ी, और आज आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ से गाड़ी कैसे निकालता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं गाड़ी में कहाँ पे लगाया हूँ, कितना सट करके लगाया हूँ। और पीछे देखिए साथ में दीवार है, यहाँ देखिए दीवार है, और इतना सा जगह में मुझे ऐसे घुमाना है ताकि कहीं गाड़ी भी लड़ना नहीं चाहिए। यहाँ देखिए इसमें ऐसे घुमा करके निकालना है, और इसके अंदर अगर आपको दिखाऊँ फ्रेंड्स, तो ये है बोरा जो कि इसको बनाया हूँ खाद पैरने के लिए। तो पहले मैं अपने फ़ोन को यहाँ पे रख दूँ ताकि आप लोगों को एकदम लाइव दिखाऊँ किस तरह से मैं गाड़ी निकालता हूँ फ्रेंड्स। बहुत आराम आराम से निकालता हूँ, अगर जल्दीबाजी करूँगा ना तो इधर भी लड़ सकता है या इस कोने में भी लड़ सकता है। यहाँ देखिए यहाँ कैमरे में बहुत लंबा दिखा रहा है ना, बस यहाँ से इतना ही जगह है, इतना ही जगह में फ्रेंड्स इसको घुमाना है सीधे एकदम। तो चलिए पहले अपना फ़ोन रख दूँ एक जगह पे, आप लोग भी देखते रहिए, उसके बाद गाड़ी निकालता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी देखिए गाड़ी यहाँ निकाल दिया हूँ, अब यहाँ से ऐसे घुमाऊँगा। पहले मैं सोचता था कि यहाँ से घुसाऊँगा कैसे और निकालूँगा कैसे, बहुत रिस्क लगता था, पर अभी बहुत आसानी से निकाल लेता हूँ और घुसा लेता हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं मजरे में, और वहीं पे दिखाएंगे आप लोगों से कि कैसे खाद पैरता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए अगर पेट्रोल दिखाऊँ तो ज़्यादा पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, जो कि जाऊँगा तो एकदम फुल करवाऊँगा आज। एफ के सामने मतलब वहाँ जो बड़ा वाला चीना है वहाँ पे आ जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एकदम यहाँ पे आ जाता है। चलिए चलते हैं, अभी गाड़ी में बैठ गया हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। इसमें एसी भी है, ये भी काम करता है। अभी दिखाऊँ मैं आप लोगों को स्टार्ट करके, तो ये देखिएगा अभी देखिए स्टार्ट हो गया। तो चलिए अभी रास्ते में नहीं दिखाऊंगा, रास्ता बहुत ख़राब है फ्रेंड्स, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है, तो डायरेक्ट एकदम मजरे में चल के और वहीं पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आ गया हूँ मजरे में, और आइए आप लोगों को दिखाऊँ कहाँ पे ला के गाड़ी खड़ा किया हूँ, और आज सब कुछ दिखाऊँगा आप लोगों को फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा टाइम है ना कि इस टाइम में कोई भी इधर इस एरिया में दिख नहीं रहा है। मैं चारों तरफ देख लिया, और यहाँ देखिए गाड़ी को रिवर्स करके कहाँ पर ला के खड़ा किया हूँ,
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं रिवर्स किया हूँ ताकि काम ख़त्म होने के बाद सीधा स्टार्ट करूँगा, लेकर चला जाऊँगा। यहाँ देखिए ऊपर वाले की दया से, विश्वकर्मा भगवान जी की दया से फ्रेंड्स, मैं इतना जल्दी मतलब इसको चलाने के लिए सीख गया। और अभी मैं अपनी नज़र में ये सोचता हूँ ना कि कहीं भी लेके जा सकता हूँ, कितना भी मतलब ऊबर खाबर पतला रोड बचा के कैसे भी निकालना है लेके चला ही जाता हूँ। खास करके मैं ऐसे जगह पे ही लेके जाता हूँ अपने आप को टेस्ट करने के लिए, जहाँ पे वैसा जगह रहता है ना वहाँ पे लेके जाता हूँ टेस्ट करने के लिए। तो अभी अंदाज़ा पूरा लगा लिया है इस गाड़ी का। तो देखिए यहाँ पे नीचे उतारा था, ये पता चल रहा है नहीं, खड्डा बहुत ज़्यादा है, जैसे लगता है गाड़ी अभी गिर जाएगी, उलट जाएगी, ऐसा हो जाता है। देखिए यहाँ से नीचे ले गया, नीचे से चढ़ाया और गाड़ी ला के यहाँ पर लगा दिया हूँ। और ये सामने हमारा पूरा मजरा है। तो चलिए अभी दिखाता हूँ ये तरीका जो कि मैं बनाया हूँ। ऐसे मिश्री था तो बाल्टी में लेके फ्रेंड्स वो खाद पैरता था, पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसी तरह से लोग बना लेते हैं और उसी से खाद पैरते बहुत आसानी से। तो अभी आपको दिखाता हूँ, खाद निकालूँ और इसमें डालूँगा। यहाँ देखिए इस इधर मैं टांगता हूँ क्योंकि दाहिने हाथ से मैं खाद पैरता हूँ फ्रेंड्स। इधर ऐसे करके इसमें खाद रहता है और ऐसे लेके ऐसे पैरना स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैं अपना तरीका लगाया हूँ। और इधर देखिए कितना अच्छा से एक कोना और एक ऊपर का हिस्सा लेकर के बांध रखा हूँ तार से। तो चलिए पहले खाद इसमें रख लूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है यूरिया खाद, और आप लोगों को दिखा दूँ ये कितना अच्छा खाद है ओरिजिनल। यहाँ हाथ में लेके थोड़ा दिखाऊँ, ये देख सकते हैं, पता नहीं इतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं फ्रेंड्स। यह देखिए इतना अच्छा ये खाद है ना, अपने तरफ भी यूरिया खाद मिलता है जैसे लगता है ना कि गली हुई चिन्नी। मैं कई बार देखा हूँ और यहाँ का भी खाद देखता हूँ, पता नहीं यहाँ पे इसकी कंपनी है भी या नहीं है, ये तो मुझे पता नहीं है, पर ये लोग इतना ओरिजिनल खाद लाते हैं। अपने इंडिया में तो जगह जगह होगा ना मेरे ख्याल से यूरिया का, और देखिए कितना थर्ड क्वालिटी के यूरिया लोग देते हैं। तो अभी देखिए आधा किस के लगभग में ले लिया हूँ, आधा बोरी के लगभग में, और एक ही बार में ले लिया हूँ। ये आधा खेत पैर दूंगा, उसके बाद ये दोबारा लूँगा, या इसमें हो सकता है दो हिस्सा कर लूँ क्योंकि थक जाऊँगा स्टार्टिंग में। तो चलिए इसको टांग के दिखाऊँ आप लोगों से फ्रेंड्स कि किस तरह से मैं खाद को पैरता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी सारा खाद पैर दिया हूँ, बोरा ख़त्म हो गया। आइए इसमें गाड़ी में दिखाऊँ और टाइम कितना लगा है। यहाँ देखिए बोरा रखा हूँ और इतना लंबा मजरा है जो कि आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स, उधर तक जहाँ तक लास्ट वाला खजूर दिख रहा है उधर, वहाँ तक पूरा लंबा मजरा है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मुझे लगता है कि आधा घंटा तकरीबन लगा फ्रेंड्स। और ये वाला जो तरीका है ना, मैं ये जब टांग लेता हूँ तो एक बोरी में तीन ही बार निकालता हूँ और तीन ही बार में एक बोरी ख़त्म हो जाता है। और फिर जानते हैं एक मुट्ठी में, ऐसे ये नहीं कि धीरे धीरे दो बार चार बार मारूँ, ये गेहूं का बीज थोड़ी ना है या धान का बीज थोड़ी, एक मुट्ठी उठाता हूँ एक ही बार में मार देता हूँ, अंदाज़ा मिल गया है। और अगर आपको दिखाऊँ ना तो ध्यान से अगर देखिए तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं, नहीं दिखेगा कहीं भी, जो हमारे यहाँ बोलते हैं बावट, बावट नहीं जाता है। तो बस फ्रेंड्स चलिए अभी तो सारा काम कर लिया हूँ, और मैं सोचा कि इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँ कि यहाँ पे खाद कैसे पैरा जाता है, कि मैं सोच रहा था कुछ भाई लोग सोचेंगे कि हो सकता है वहाँ पे तरीका दूसरा, और यहाँ पे भी कोई दूसरा तरीका नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अपने ही यहाँ के लोग इंडिया के बांग्लादेश के यही लोग आते हैं यहाँ पर काम करने, यही लोग काम करते, तो जो अपने यहाँ तरीका चलता है वही तरीका यहाँ पर भी लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पर बहुत भाई लोग हैं जो कि सब्सक्राइब किए हैं, मैं हमेशा अपने YT स्टूडियो में देखता हूँ फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग वीडियो देखते हैं। और मुझे पता है कि YouTube भी मेरा वीडियो को रिकमेंड नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि नए लोगों के पास नहीं भेज रहा है, तो जो हमारे पुराने भाई लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, और उसमें कुछ नए व्यूअर आते हैं जो कि
15% 20% 25% नए व्यूवर आते हैं जो कि वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उनके लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।